हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द अल्फा आईएएस एकेडमी एंड वी आर एट द लेक्चर 4 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज एंड टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, वोल्केनोस एंड फॉरेस्ट फायर्स। अब देखो, हीट वेव तो चल ही रहा है मार्केट में, इस बार हो सकता है कि यूपीएससी हीट वेव पूछ ले, क्योंकि हीट वेव हैज़ अफेक्टेड द यूरोपियन रीजन एज वेल एज द रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन अ बिग वे। दस इट्स वेरी इंपेरेटिव टू स्टडी हीट वेव्स दिस ईयर। तो बिगनिंग ही हम आज हीट वेव से करते हैं। देखो, वैसे तो हीट वेव क्या हुआ, हीट वेव हुआ कि कहीं भी नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, गर्मी हो गई, ठीक है, उसे हम लोग हीट वेव बोल देते हैं। बट इंडिया में जो डेफिनेशन है, जो IMD ने दी है, वो ये दी है कि अगर किसी भी जगह की प्लेन्स में वो जगह है, अगर वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड कर जाए और हिल्स में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे हीट वेव आ चुकी है। दस इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ हीट वेव इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन स्पेसिफिक डेफिनेशन है, और वर्ल्ड में भी अगर आप कहीं भी एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर पाते हैं फ्रॉम दी नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब मान लिया नॉर्मली 40 डिग्री रहता है कहीं पे, तो वहाँ पे आप नहीं बोलेंगे हीट वेव आ गई है, लेकिन हाँ कहीं पे 30 डिग्री रहता था तो वहाँ पे 40 हो गया, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं हीट वेव आ गई। इनफैक्ट एक क्राइटेरिया तो ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर कहीं पे भी जो एवरेज टेम्परेचर है, जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, वो 4.5 से जितना होना चाहिए उससे 4.5 से 6.4 के बीच में अगर बढ़ जाता है, अबव द नॉर्मल, जितना नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर 6.4 से भी ऊपर चले जाए तो IMD ने बोला कि भैया इसको सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दो आप, ठीक है। तो अभी आपको दिखाते हैं, देखो हीट वेव कैसे बढ़ रहा है। देखो अभी ये लेटेस्ट हम लोग आपके लिए लेके आए हैं डाइग्राम, ये देखिए आप, वेस्टर्न यूरोप जो है प्लस आपका US, ये जो दे आर रीलिंग अंडर एक्सट्रीम हीट वेव, आपने देखा होगा कि लोग मर रहे हैं, फॉरेस्ट में फायर लग रही हैं, एंड देर इज अ यूनानिमस डिसीजन बाई द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। हर जो रिपब्लिकन्स हैं, जहाँ पे अब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर पॉलिटी की बात करें तो वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ रिपब्लिकन डोमिनेटेड है, तो रिपब्लिकन्स के जितने भी पॉलिटिशियन हैं तो वो मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज है ही नहीं, वो कहते हैं कि आप फॉसिल फ्यूल को छोड़ दो, आप यू प्रे टू गॉड एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तो ये आज का आर्टिकल है, अगर आप लोग इंटरनेट एक्सप्रेस फॉलो करते हैं तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में हीट वेव को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप वहाँ ना पढ़ें, हम आपको हर चीज़ वहाँ की तरफ की यहाँ बता देंगे, आप टेंशन मत लें, ठीक है। तो द यूरोप इज़ रीलिंग अंडर द एक्सट्रीम हीट वेव, इनफैक्ट द होल वर्ल्ड टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर जो वर्ल्ड का है, वो 1 डिग्री से ऊपर जा चुका है, एंड वी विल बी सीइंग एक्सट्रीम इवेंट्स, राइज ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक ड्रॉट्स, फ्लड्स, ये इनकी जो मात्रा है या होने की जो फ्रिक्वेंसी थी वो बढ़ चुकी है अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए, हर यहाँ पे हम ओशन को छोड़ दें तो लैंड पे हर जगह जो है टेम्परेचर बढ़ चुका है ना, कहीं कहीं जो एक्सट्रीमली बढ़ चुका है, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ हैबिटेशन होता है। अब कॉज क्या है हीट वेव का, देखो जैसे आपको साइक्लोन के लिए लो प्रेशर चाहिए, हीट वेव को हाई प्रेशर एड करता है, हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर से क्या होगा, एक डोम सा बन जाता है, ठीक है, जिसको कल जो हम कल अभी हम नीचे अर्बन हीट आइलैंड मैंने आपको कल पढ़ाया था, जब मैं आपको ड्रॉट पढ़ा रहा था कि भाई हीट जो है ट्रैप हो जाती है, डोम सा बन जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है गर्म होते जाता है। अगर कोई दिल्ली में रहता होगा, आप लोग अगर कोई राजेंद्र नगर में रहता होगा, तो अगर आप दोनों किसी गली में घुसेंगे और दोनों साइड से बिल्डिंग कैसी चल रहे हैं, तो आप इतना गर्म महसूस करेंगे कि पता नहीं क्या होगा। तो वही कुछ वही एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, या वही डोम इफेक्ट होता है कि जो एयर है वो ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाती, और जो गर्म एयर है वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, और जो और निकलती जाती गर्म एयर वो वहाँ उस एरिया को हीट अप करती जाती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से क्या होता है, हाई प्रेशर जो है, देखो ये तो रूल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फिल होगा, ठीक है, कहीं पे हाई प्रेशर बिल्ड हो गया तो वहाँ पे जो है बड़ी स्टेबल काम सी कंडीशन होती है, जल्दी हिलता नहीं है वहाँ से चीज़ें, ठीक है। और हाई प्रेशर क्या है कि कैप बना देता है जिससे कि हीट ट्रैप हो जाती है, जिससे कि वो एरिया गर्म हो जाता है। देन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कुछ ऐसे होता है, मैंने आपको समझाया था कल क्या बोलते हैं अपना इसमें ड्रॉट्स में, कि अगर आप विलेजेस में रहते हैं जहाँ पेड़ होते हैं, तो वहाँ जो है गर्म हवा बहुत ऊपर तक चले जाती है, और वहाँ पे आप अर्बन हीट आइलैंड या गर्मी उतनी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ऊपर जाकर ट्रैप हो जाती है, और वो एक ऐसा डोम शेप्ड
स्ट्रक्चर बना देती है, यहाँ पे बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, पेड़ों की कमी होती है, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड बनता है, जो कि उस जगह को नॉर्मल से 1 से 3 या 1 से 10 तक भी कभी कभार ज़्यादा गर्म कर सकता है, जो उसकी सराउंडिंग एरियाज हैं, ठीक है। देन ग्लोबल वार्मिंग, मैंने आपको बताया ये यूनानिमस है, ये यूनानिमस डिसीजन है साइंटिस्ट का अराउंड द वर्ल्ड, दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव बढ़ते जा रहे हैं, हीट वेव के इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई हीट वेव को चाहिए क्या, गर्मी चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग से उसको वो गर्मी मिल रही है। देन कई बार क्या होता है कि हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द डेजर्ट से हॉट विंड फ्लो हो जाती है टूवर्ड्स कोल्डर रीजन, उसकी वजह से हीट वेव हो जाती है। देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसको हमने बहुत सारा ज़्यादा मिटिगेट कर दिया, इनफैक्ट अब ये माना जाता है कि जो ओजोन होल था अंटार्कटिका के ऊपर वो बंद हो चुका है, ठीक है। देन एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन, ठीक है। अब एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन क्या होता है कि क्लाउड कम बनते हैं, अब जब क्लाउड ही नहीं बनेंगे तो बारिश कहाँ से होगी, ठीक है, और तो जब बारिश नहीं होगी तब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इनफैक्ट यूरोप की जो हीट वेव है उसका ये भी रीज़न है कि वहाँ लगभग 200 डेज से बारिश ही नहीं हुई है, जो उनकी नदियाँ हैं वो सूखती जा रही हैं, पानी कम होते जाता है, क्योंकि जो उनके बेसिन्स हैं वहाँ लगभग 200 दिन से बारिश हुई नहीं है, ठीक है, तो वो भी एड अप कर रहे हैं। तो देखो एवरीथिंग इज रिलेटेड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, मी एंड यू आर रिलेटेड एज अ ह्यूमन बींग, एंड द इन्वायरमेंटल फिनोमिनल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस दे ऑल आर रिलेटेड आपस में, है ना, ऐसा कुछ नहीं। फ्लड, आप मैंने आपको एथिक्स में भी ये बात बताई थी, आप सिलोज में पढ़ें लेकिन सिलोज को आप अपने दिमाग में मत बिठा लें, हर चीज़ कनेक्टेड है, फ्लड्स ड्रॉट्स से ड्रॉट्स, हीट वेव से हीट वेव्स, कोल्ड वेव से, हर चीज़ अपने आप में कनेक्टेड है, ठीक है, इवेंट्स हो जाएंगे, अगर हीट वेव आ जाएगी तो फिर होता है कभी कभार कोल्ड वेव आ जाए वहीं उसी जगह, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। देन एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन हो नहीं पाती और बारिश पड़ नहीं पा रही। देन वेदर पैटर्न्स और जो एयर करंट्स हैं वो लगातार शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से कई एरिया, देखो हमारे सर बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि क्लाइमेट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिनन बट वेदर इज़ अ लोकल फिनोमिनन, ठीक है। आप दिल्ली से चलोगे, हो सकता है आप देहरादून पहुँचो या शिमला पहुँचो, वहाँ बारिश हो रही हो, ठीक है, दिल्ली में गर्मी हो रही हो, ठीक है, तो ये क्या है, वेदर इज़ अ लोकलाइज फिनोमिना एंड शिफ्टिंग ऑफ एयर करंट्स एंड वेदर पैटर्न्स आर एडिंग टू द हीट वेव। इनफैक्ट यूएस स्पेसिफिक, जो यूएस स्पेसिफिक रीज़न दिया गया हीट वेव का, जो कि यूएस में क्यों हो रही है, वो इसलिए दिया गया कि वहाँ पे एक जेट स्ट्रीम आती थी जो ठंडी हवा लेके आती थी। अब वो जो जेट स्ट्रीम है वो दो ब्रांचेस में बाइफरकेट होगी और वो ओवर द ईयर्स वीक होते जा रही है, तो ठंडी हवा कम आ रही है यूएस में, ठीक है, उसकी वजह से यूएस जो है गर्म होते जा रहा है ओवर द ईयर्स, ठीक है। अब हीट वेव रिस्क इन इंडिया क्या, देखो दुख की बात यह है कि हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या तीसरे नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा लोग वैसे लाइटनिंग से लोगों की मृत्यु होती है, सेकेंड नंबर पे अर्थक्वेक आता है, थर्ड नंबर पे हीट स्ट्रोक से 13,500 ठीक है, एक मिनट, आई अपोलोजाइज फॉर द ग्लिच, ठीक है, तीसरे नंबर से हीट स्ट्रोक आता है, ठीक है, हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 13,548 थी, 3,548 फ्रॉम 2000 to 2014, 14 साल में इतने लोग मरे, लेकिन फिर भी जो है समस्या की बात यह है कि भारत सरकार या भारत में हीट वेव को या हीट स्ट्रोक को क्लेमिटी नहीं माना गया अभी भी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हीट वेव या हीट स्ट्रोक को अभी भी नेचुरल क्लेमिटी नहीं मानती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम मैप की बात करें तो हीट वेव से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड स्टेट्स हैं दैट आर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, दो की यहाँ क्यूमुलेटिव डेथ कम है, बट ये दो स्टेट्स 2277 के लिए अकाउंट करते हैं। देन ये बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसको हम मतलब हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र 5607, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये भी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन इतनी नहीं होती है। तो अगर वनरेबिलिटी मैपिंग की बात करें तो सदर्न रीजन इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इज द मोस्ट वनरेबल, दैन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर वनरेबल, एंड देन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा अकाउंट्स फॉर अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पीपल डाइंग ड्यू टू द हीट स्ट्रोक। दस हीट वेव इज अ नेचुरल किलर एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल क्लैमिटी, दो वी हैव सम प्रोग्राम्स फॉर इट, बट देन देर हैज़ टू बी अ रोबोट मैकेनिज्म एंड देर हैज़ टू बी अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू डील विद इट। कॉन्सिक्वेंस क्या है हीट वेव्स के, हीट इम्पैक्ट, 16 साल में ये देखा गया कि 6562 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कि 3500 लोगों की मृत्यु तो 2015 से 18 के बीच में हुई है 3 साल में, क्योंकि
हीट इवेंट्स क्या मैंने आपको क्या बताया कि बढ़ते जा रहे हैं, जब वो बढ़ते जाएंगे तो भैया ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लैंसेट की रिपोर्ट, जो लैंसेट जो रिपोर्ट आती है, जो वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट आती है, हेल्थ के क्षेत्र में सबसे अच्छी रिपोर्ट माना गया है लैंसेट को, तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इनफैक्ट अराउंड द वर्ल्ड इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है और इसके जो पेपर्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। देन हीट वेव से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट क्रैम्प्स होते हैं, हीट एग्जॉशन होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। देखा आपने क्रिकेटर्स, आप ये भारत क्रिकेट का देश है, क्रिकेटर्स देखा आपने कभी कभार वो वाइट लगा के घूमते हैं, या मतलब लोग गिर जाते हैं, है ना। असेंबली में कई बार देखा होगा, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते होंगे, आपने कई बार अपने स्कूल में देखा होगा कि बच्चे गिर जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है, तो वो क्या है, वो हीट स्ट्रोक है या हीट एग्जॉशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाइड्रेशन भी कम लेते हैं। तो ये इंडिया जो है थोड़ा सा हम लोगों का न्यूट्रिशन वाटर इनटेक थोड़ा सा कम है, उस पर हमारा कम ध्यान रहता है, ठीक है। देन देयर इज द इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब जब भाई गर्मी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स ही बात है सॉइल का मॉइस्चर कम होगा, सॉइल का मॉइस्चर कम होगा तो क्रॉप फेलियर होगा, लाइफ स्टॉक पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, गर्मियों में पानी नहीं मिलता है जिससे जो पशु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, है ना, नई नई बीमारियाँ आ जाती हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं जो लाइफ स्टॉक के लिए ख़राब है। देन फॉरेस्ट फायर एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है हीट वेव से, हमने देखा कि कितनी आग लग रही है इस टाइम यूरोप और उसमें, इनफैक्ट द इवेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर इज इंक्रीज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये माना गया है कि इंडिया में 6.17% ऑफ द फॉरेस्ट आर प्रोन टू सीवियर फायर डैमेज एंड विद ग्रेटर हीट स्ट्रेस इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज। देन लॉस ऑफ मैन आवर्स, क्योंकि भाई इतनी गर्मी होती है कि बाहर जा नहीं पाते हैं लोग, जब हम लोग एम पी पीसेस दिए जाते थे देने, वहाँ 8 ही बजे इतनी गर्मी हो जाती थी कि वहाँ 8 बजे पेपर देना मुश्किल हो जाता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम पेपर शीट लिए बार तो मेरी शीट OMR शीट भी गीली हो गई थी कि यहाँ से पूरा पसीना बह रहा था। तो दैट इज़ द कंडीशन। अब लोग जो है वहाँ मतलब गमछा लेके ओढ़ के चलते हैं, उससे उनका प्रोटेक्शन होता है, बट फिर भी इतनी गर्मी हो जाती है कि कई बार अनबियरेबल हो जाता है काम करना। और क्या होगा कि अगर जो आदमी 5-6 घंटे काम कर रहा था वो 2 या 3 घंटे में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। तो लॉस ऑफ मैन आवर्स, इनफैक्ट बिहार में तो सेक्शन 144 कि 5 लोग से ज़्यादा ही कहते थे इतनी हो सकते, वो लगानी पड़ी थी टू डील विद दी हीट वेव्स। तो थोड़ा सा रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, पीपल को अवेयरनेस बतानी चाहिए, आप बोले ज़्यादा पानी पिए, है ना, जो लस्सी वगैरह होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी डिमांड पिए, वो अच्छा माना गया है। देन नेचर पे इफेक्ट क्या, हमने वो आपको बता दिया कि सॉइल का मॉइस्चर कम होता है, ड्रॉट्स लाइक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सॉइल का मॉइस्चर जितनी सॉइल मॉइस्ट होगी ना उतना वो एरिया थोड़ा ठंडा भी रहेगा, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहती है लेकिन वो एरिया थोड़ा सा ठंडा रहेगा। देन बायोडाइवर्सिटी में इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे इंस्टेंसेस लाइक कोरल ब्लीचिंग इंक्रीज हो जाते हैं, है ना, बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाते हैं, हीट से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डील नहीं कर सकते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑन द नेचर। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हीट वेव के लिए, पहले तो आप एक अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएं, ठीक है, फिर वही कहानी देखो हर में जो आपको पढ़ाते हुए कैपेसिटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तो कॉमन है, ये तो आपको लिखना है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ऑल दी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो उसके लिए, रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड मैनेज हीट करने के लिए और मेडिकल इश्यूज रिलेटेड से डील करने के लिए उनको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक अलर्ट सिस्टम बना सकते हैं जिसमें आप अलर्ट कोड्स दे सकते हैं, जैसे दिल्ली कई बार करता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे ग्रीन है तो आपको बोला कि ठीक है नॉर्मल डे है, ज़रूरी नहीं है, ये डेली का डेली आप लोग गर्मियों के टाइम पे जो सरकार है वो दे सकती है, ठीक है। देन येलो अलर्ट हो गया, मतलब बी अपडेटेड, डरने की बात नहीं है लेकिन हीट अलर्ट है, गर्मी हो रही है। ऑरेंज अलर्ट में क्या होता है कि सीवियर हीट अलर्ट है, आप लोग जो है बहुत हाई टेम्परेचर है, अंदर रहें, अपना ख्याल रखें। रेड अलर्ट में मतलब कि टेक एक्शन अब आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे धारा 144 लगा दी है ना, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग आउटसाइड कम कर दिए, या लोगों को बोल दिया कि 11 से शाम को 5 बजे तक ना निकले, ठीक है, एक्सट्रीम हीट अलर्ट हो गया। तो ऐसे कलर कोडेड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या आप रोल आउट कर सकते हैं, इनफैक्ट किए भी जाते हैं, ठीक है। देन आप पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी आउटरीच कर सकते हैं वाया IEC, देखो IEC याद क्या, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेटेड रहे लोग, अवेयर रहें, उनको टाइमली इन्फॉर्म दें, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले और वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कम्युनिकेट हो, ठीक है। देन डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फ्यूचर, क्योंकि जितना अच्छा डाटा उतना प्रिसाइज आपकी, उतना अच्छे आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन आप ग्रीन कवर बिल्ड करें, देखा हमने क्या देखा था कि विलेजेस में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पेड़ होते हैं, ठीक है, और पेड़ जो है ज़्यादा दूर तक जा सकती थी आपकी जो हीट है, तो जो डोम क्रिएट होता है वो नहीं हो रहा था। जितना अच्छा ग्रीन कवर लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। देन डिस्कस इस्टेब्लिशिंग कूलिंग सेंटर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेड़ नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ आप लोग कूलिंग सेंटर्स बनाएं, है ना, AC वैसी लगाएं लेकिन उसमें एनर्जी इंटेंसिव
है ये, ठीक है। तो ये तो बात थी हीट वेव की, कोल्ड वेव इंडिया में, कोल्ड वेव हीट वेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अराउंड द वर्ल्ड भी हीट वेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वेव इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, कुछ ही स्टेट्स हैं जिनको इफेक्ट करती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये वाले जो थोड़ा नॉर्दर्न साइड वाले हैं वहाँ पे कोल्ड वेव ज़्यादा हीट हिट करती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कोल्ड वेव इज़ अ वेदर फिनोमिनन दैट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय मार्क्ड कूलिंग ऑफ एयर और द इन्वेजन ऑफ वेरी कोल्ड एयर ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड वेव मैंने आपको स्टेट्स ऑलरेडी बता दी हैं। कॉज क्या होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया के ऊपर एक जेट स्ट्रीम बैठी है जो हाईएस्ट लैटिट्यूड से ठंडा लेके आती है, वो तो कभी कभार ज़्यादा ठंडी लेके आ जाती है, साइबेरियन जो विंड्स हैं वो पहुँच जाती हैं इंडिया के, अगर ऐसे अगर हम मैप बनाएं, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो मुझे माफ़ करिएगा, अगर हम मैप बनाएं तो इस ऐसे यहाँ से वेस्टर्न साइड से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती है, कभी कभार मेडिटेरियन एक जेट स्ट्रीम आ रही होती है वो ठंडा साइबेरिया तक की वो विंड्स ले आती है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया में जो है, जो नॉर्दर्न हार्टलैंड है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है, ठीक है। वह जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं ना, दिल्ली में सर्दियों में बारिश हो गई, लोग सोचते हैं क्यों हो रही है, तो मौसम विभाग लिखता है इट इज़ यूज टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बहुत लोग सर्दियों में भी बहुत लोगों की मृत्यु होती है कि ठंड से मृत्यु हो गई, इंस्टेंसेज ऑफ हार्ट अटैक इंक्रीजेज इन विंटर्स देखा है ना। इनफैक्ट मैं एक बार हरियाणा में गया हुआ था, तो हरियाणा में तो एक कहावत है कि अब मतलब उनका कहने का, वो हरियाणवी लैंग्वेज में थी बट उनका कहने का मतलब था कि अब विंटर आ गए हैं, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस साल खिसक लेंगे या मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम होती है या सर्दियां जो है क्योंकि हमें गर्म रखना होता है और खून का जो बहाव होता है हमारे आर्टरीज में वो कम होते जाता है या वो रुकता है सर्दियों में, तो सर्दियों में हार्ट रेट के इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट 1978 से 1999 तक देर वर 3264 डेथ्स ड्यू टू कोल्ड वेव, एंड कोल्ड वेव जो है रवी क्रॉप को भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती है, और ये देखा गया कि सिर्फ राजस्थान की अगर हम बात करें तो 2005 से 2006 तक 6230 मिलियन इंडियन रुपीज़ का नुकसान हुआ था कोल्ड वेव से वहाँ के एग्रीकल्चर का या वहाँ की रवी क्रॉप्स का। तो ये तो बात थी कोल्ड वेव की। अब वोल्केनो पे आ जाएं, वोल्केनो भी इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो तो हम लोग अब अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट हम इंडिया स्पेसिफिक पढ़ते हैं, तो वोल्केनो इंडिया में एक ही है अंडमान निकोबार में, वो भी अनइनहैबिटेड है, वो बैरल आइलैंड है ना, और उसको वो वेजिटेशन वहाँ है नहीं, ठीक है। और वोल्केनो होता क्यों है, वोल्केनो एक्चुअली जब कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराते हैं या तो वहाँ पर वोल्केनो हो सकता है, टकराते हैं तो अर्थक्वेक होता है, जब पुल अपार्ट करते हैं या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, जैसे मिड ओशनिक रीजन है ना, तो वहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। वॉल्केनोज होते क्या हैं, इट इज़ अ प्लेस वेयर गैसेस, ऐश और मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसको हम लोग इसको क्यूमुलेटिवली क्या बोलते हैं, लावा एस्केप टू द ग्राउंड, लावा जो है ग्राउंड तक आ जाता है उसको वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को वॉल्केनो। फॉरेस्ट फायर ओवर द ईयर्स बढ़ चुकी है, और फॉरेस्ट फायर जो है जंगलों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो जो है जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है, ठीक है। दस अ वाइल्ड फायर इज़ एन सिंपली एन अनकंट्रोल्ड फायर दैट इज़ वाइपिंग आउट लार्ज फील्ड्स एरियाज ऑफ लैंड। इनफैक्ट ज़्यादातर ये जो फायर्स लगती हैं ये हम लोगों की गलती की वजह से ही लगती हैं, किसी ने सिगरेट पी वहीं फेंक दी, किसी ने माचिस जलाई वहीं फेंक दी। अब क्या होगा कि अभी तो विंटर बरसात का मौसम चल रहा है, जो लोग फॉरेस्ट एरियाज़ के अगल बगल रहते होंगे वो देखते होंगे अभी जस्ट 2 महीने पहले पूरे पत्ते झड़ रहे एकदम, जो अगर आप साल के जंगलों में चले जाएँ तो एकदम पत्ते जो है नीचे गिर रहे थे, एकदम सूखे सूखे गोल्डन कलर के होते हैं, अगर आप उसमें हल्का सा आग लगा देना पूरे फॉरेस्ट में आग फेंक जाती है, और लोग जो है वनिज संपदा होती है उसके बाद, मतलब बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, जैसे मशरूम्स, कई टाइप के मशरूम सूख जाते हैं अगर फॉरेस्ट को जला दिया जाए, उसके बाद जब बारिश पड़ती है तो बहुत सारे वो फंगस को, फंजाई को पैदा करता है, और बहुत सारे टाइप के मशरूम जैसे अगर उत्तराखंड में आप जाएं तो पुट नाम की एक निकलता है, बहुत महंगे बिकते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, खाने में बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं, तो लोग उसके लिए भी आग लगाते हैं। बट ओवर द ईयर्स काफ़ी काम किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन सारे स्टेट्स में, और काफ़ी अब फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, बट फिर भी अभी भी इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो तीन टाइप में डिवाइड किया गया फॉरेस्ट फायर्स को, अब देखो ये तो सब जानते हैं लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ग्राउंड में, सरफेस में और क्राउन फायर में। देखो हम डायग्राम से आपको समझाते हैं, ये तो ग्राउंड है, जो ये पत्ते हैं, पत्ते के नीचे जो आग लगी हुई है, जो कि जो ऑर्गेनिक मैटर है
सॉइल का, उसे जो जला रहा है वो हो गई आपकी ग्राउंड, ठीक है। देन सरफेस हो गया, जो पत्ते वत्ते जल रहे हैं, नीचे नीचे की जो संपदा है वो जल रही है, उसको सरफेस। ग्राउंड फायर क्या होती है कि जो पेड़ के टॉप से पेड़ के टॉप तक फैलती जाती है इस टाइप से, ये इंडिया में बहुत कम होती है, लेकिन बाहर आपने ये बहुत ज़्यादा देखी होगी। तो बाहर ग्राउंड फायर बहुत, मतलब बड़ी बड़ी आग की लपटें दिखती हैं और एक पेड़ के टॉप से दूसरे टॉप तक एकदम पहुंच जाती है, तो उसको ग्राउंड फायर बोलते हैं। तो तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। देन फॉरेस्ट फायर रिस्क इन इंडिया। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि नियरली 36% ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फायर्स, ठीक है। 36% जो हमारे फॉरेस्ट हैं दे आर यू नो प्रोन, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर बहुत लाइक चांसेस हैं कि वहाँ होगी ही होगी। इनफैक्ट IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 2021 की, वो कहता है स्टेट्स दैट वेदर कंड्यूसिव टू वाइल्ड फायर्स, मतलब अब वाइल्ड फायर के लिए कैसा वेदर चाहिए, थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, थोड़ा विंडी होना चाहिए, क्योंकि जितनी तेज विंड होगी उतनी तेज़ी से आग फैलेगी। अगर विंड नहीं है तो बहुत आराम आराम से आग फैलती है, लेकिन अगर विंडी सिचुएशन है, आग चल रही है, तो तुरंत आग फैल जाएगी। तो विंड जो है, विंड का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में आग फैलती भी है, और जितनी तेज़ विंड होती है उतनी तेज़ आग फैलती भी है, ठीक है। हैज़ बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन सम रीजन्स एंड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज विद हायर लेवल्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसको एड कर रही है। बाकी तीनों टाइप मैंने आपको समझा दिया। कॉजेज क्या है नेचुरल फायर्स के, तो दो कॉजेज हमने डिवाइड किए हैं, तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस जो हमारी वजह से होते हैं। नेचुरल क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, बारिश कम हुई, वेजिटेशन सूखी है, मॉइस्चर कम है, ये सब एड करते हैं। ये दीज आर दी नेचुरल कॉजेज दैट एड्स टू दी फॉरेस्ट फायर्स। देन आपका हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है, ड्राइनेस है, मतलब ह्यूमिडिटी कम है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो बारिश हो जाती है जो कि फॉरेस्ट फायर को रोकती है, लेकिन ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, बारिश कम होगी जिसके कारण आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। फिर कुछ टाइप के पेड़ होते हैं जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं उत्तराखंड में, उनमें एकदम आग लग जाती है, अगर वो उनमें हल्का सा लगा दो तो पूरा पेड़ ही जल जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के कुछ टाइप के पेड़, स्पेशल टाइप के पेड़ होते हैं जिनमें जल्दी आग लगती है। और जैसे सदर्न एंड साउथर्न इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं जिसमें कि 5 से 6 मंथ तक वो सूखे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि उनमें आग लग जाए। देन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की बात करें जो मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं या हमारी वजह से लगते हैं, एक तो हमारा जो है एग्रीकल्चर में चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। देन हमारे जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो अनचेक्ड है, उसका कोई मतलब कुछ भी हो रहा है लैंड यूज़ के, लैंड के साथ कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल पे जहाँ खेती होनी थी वहाँ मकान बन चुके हैं, जहाँ मकान बनने थे वहाँ खेती हो रही है, तो ये लैंड यूज़ पैटर्न जो है सही नहीं है इंडिया का, ठीक है, ये एग्जांपल था, ठीक है। फिर झूम कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि झूम में क्या होता है कि एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में आग लगाते हैं, कभी कभार वो आग लगाते हुए वो अनकंट्रोलेबल आग हो जाती है, और वो क्योंकि एक स्मॉल कम्युनिटी उसको एग्रीकल्चर अपने सस्टेनेंस के लिए कर रही होती है, तो उनके बस की नहीं होती है कि उस आग को बुझाया जाए, और वो जो है आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। देन हम जैसे सिगरेट्स, इलेक्ट्रिक स्पार्क, जैसे कई बार क्या होता है जो लाइन्स जारी होती हैं इलेक्ट्रिक की, वो जब गिरती है नीचे जंगल में उसकी वजह से भी आग लग जाती है। तो दीज आर दी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज फॉर फॉरेस्ट फायर्स। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल की 2020 की रिपोर्ट है दैट एस्टिमेटेड दैट ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द वाइल्ड फायर्स वर्ल्ड वाइड एंड मच ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर्स इन 2022 कुड बी इन टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ज़्यादा 75% जो है नेचर की वजह से भी कुछ लगती हैं, बट जो ज़्यादातर लगती हैं वो हमारी गलती की वजह से, हमारी वजह से ही लगती हैं। इम्पैक्ट क्या है, देखो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, फॉरेस्ट जल जाता है, ठीक है, आपका जितनी भी वनिज संपदा होती है वो ख़राब होती है, कितने जानवर आपके मर जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ एडवर्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स, ठीक है। देन आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग में एड करती है, भाई गर्म हो जाएगा ना टेम्परेचर, अनबियरेबल हो जाता है कई बार उसको करना, आग बुझाना, ठीक है। ग्रीन हाउस, और जब आग जलती है तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी जो कि एड करती हैं किसमें, ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा और ड्राई होगा, तो ये क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट पर रिलेशन हो गया, कि जितना ज़्यादा भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग लग रही है, आग की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और आग लग रही है, ठीक है। तो ये एक साइकिल है आपस में, ठीक है। जो कार्बन सिंक है भाई, अब हमारे फॉरेस्ट क्या है, हमारे टाइप का कार्बन सिंक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अब जब वो पेड़ जल जाते हैं तो जो ऑक्सीजन उतने इतने साल से ले रखी है, वो ऑक्सीजन क्या होती है, सॉरी
जो CO2 उसने ले रखी है तो ओवर द ईयर्स वो क्या होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, तो जिससे क्या होता है CO2 बढ़ गई, CO2 बढ़ गई तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो फिर फॉरेस्ट फायर लग गई, तो एवरीथिंग इज लिंक्ड, ठीक है। देन लॉस ऑफ लाइवलीहुड होता है किसके लिए, जो रूरल पुअर हैं, जो ट्राइबल हैं, वो जो लार्जली डिपेंड, जो पीपल लार्जली डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पर, इसलिए एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया 2006 कि जो भाई ट्राइबल्स हैं उनका थोड़ा सा माइनर हक होना चाहिए, जो छोटे छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उस पर उनका हक होना चाहिए, आपका शहद निकालना, स्मॉल टिम्बर कलेक्ट करना, है ना। तो 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, और जब ये फॉरेस्ट जलते हैं तो अपना लाइवलीहुड खोते हैं और वो एक्सट्रीम, और उससे क्या होता है वो पॉवर्टी के में दोबारा धकेले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो और गरीब हो जाते हैं। लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं, बट यू नो दी नेगेटिव्स आउटवेज द पॉजिटिव, ठीक है। अब वाइल्ड फायर क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस भी अपने आप को रिजुविनेट करने का बाय दी नेचर, उससे क्या होता है कि फ्लावरिंग ब्रांचिंग अच्छी बढ़ती है, ठीक है। सॉइल का क्या होता है कि जब वो जल जाता है तो जला वो ऑर्गेनिक, जब उस पर बारिश पड़ती है तो एक टाइप का ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है जो एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है। लो इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर जो होती है वो इन्वेजिव जो स्पीशीज होती है उनका प्रोलीफिकेशन रुकती है, ठीक है। जैसे कोई इन्वेजिव स्पीशीज आ रहा था यहाँ पे, फॉरेस्ट फायर है वो जला के उसको चल जाती है, तो दैट यू नो सेव्स दी नेटिव वेजिटेशन फ्रॉम इन्वेजन, तो ये इसके पॉजिटिव है। फॉरेस्ट फायर मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑफकोर्स हमेशा की तरह एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर है, 2018 में बनाया गया था। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं वो क्या क्या बोलता है, कि फॉरेस्ट का रिस्क जोनिंग जोनेशन एंड मैपिंग करें, कहाँ कहाँ कितनी आग लग सकती है, कौन ज़्यादा वनरेबल है, कौन ज़्यादा कम वनरेबल है, कहाँ पे किस टाइप के पेड़ हैं, किस पेड़ों में जल्दी आग लग सकती है, किस में नहीं कर सकती है, ठीक है। इनफैक्ट जब अगर आप जाएंगे, हमने तो देखा है तो लोग जब पत्ते, जब ऑटम सीजन आता है तो फॉरेस्ट वाले क्या करते हैं, पत्तों को डिवाइड कर देते हैं, जब सूखे पत्ते तो कंटिन्यूस हैं, लेकिन उसको बीच में से हटा देते हैं, एक LEC बना देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से फॉरेस्ट आग लगती हुई आई तो यहाँ रुक जाएगी, अगर यहाँ से आई तो यहाँ रुक जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल था कि कैसे आप रोक सकते हैं, देन प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर कैसे कर सकते हैं आप, IEC वही इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जल्दी से आप अवेयरनेस जनरेट करें, एजुकेट करें लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाए। इनफैक्ट जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला करें, कोई भी अगर ऐसी अनहोनी होती है या ऐसे कोई इवेंट उनको दिखता है कि आग लगने वाली है, तो जल्दी से जल्दी जो आपके नियरेस्ट पुलिस की चौकी है या फॉरेस्ट की चौकी है वहाँ पर आप बता सकते हैं, ताकि जो है उसको टाइमली कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। देन फॉरेस्ट फायर का इंक्रीजिंग द रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट टू फायर्स, है ना। फॉरेस्ट फ्लोर बायोमास मैनेजमेंट, मतलब लगती तो ग्राउंड, सबसे जो कॉमन आग लगती है वो ग्राउंड पे ही लगती है, ठीक है। तो उसका जो बायोमास नीचे जो पत्ते पड़े हुए हैं, जो वन सभ्यता पड़ी हुई है, जो सूखी है, उसको जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जो है इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आग ना लग पाए। देन आप प्रिपेयर्ड रहें फॉरेस्ट फायर के लिए, ठीक है। डिजिटाइज करें फॉरेस्ट बाउंड्रीज को, कि कहाँ पे मैप से मतलब मार्क कर दें कि भाई ये नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे जो है आप रह नहीं सकते, यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, यहाँ पे टूरिज्म नहीं हो सकता, यहाँ टूरिज्म हो सकता है, तो ये सब जो है आप देखें। देन एक फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लगाएं, अगर फॉरेस्ट कहीं होती है तो एकदम वहाँ तक लोग एकदम लोग पहुँच जाएँ। इनफैक्ट अभी हम आगे दिखाएंगे, बम्बी फॉरेस्ट फायर आसान काम नहीं है बुझाना है, और क्योंकि वो स्लोप्स पे जब लगती है तब तो और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो फायर कहीं भी फैल सकती है, तो उसको बम्बी बकेट आती है जो हेलीकॉप्टर से उसको उठाया जाता है, लास्ट में आपको दिखाएंगे, तो उससे उसको बुझाया जाता है। देन आप ग्राउंड बेस्ड डिटेक्शन बताएं, आप इंगेजमेंट इंक्रीज़ करें लोकल कम्युनिटीज़ का, जो मैंने आपको बताया था, उनके साथ एक कम्युनिकेशन रखें, है ना, एक गांव में एक कम से कम वायरलेस दे दें, ठीक है, कि वो वायरलेस से आपको बता सकें जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, कि सर यहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आग लगने की संभावना है, ठीक है। जो फॉरेस्ट फायर्स को टेम करते हैं, जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग हो प्रॉपर, पोस्ट फायर के बाद क्या करना है वो उसकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड आप कोऑर्डिनेट करें और एजेंसीज से। अभी एन नंबर है, लेकिन हमने कुछ कर दिया इसमें से, आपने 5 भी लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा। नाउ इंडिया के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है फॉर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्या बोलता है, कि जंगल में आग लगाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और पकड़े जाते हैं बहुत लोग अंदर भी होते हैं इसमें। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, दैट प्रोहिबिट सेटिंग फायर इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमारे पास लीगल मैकेनिज्म तो है, लीगल मैकेनिज्म हमारे पास हमेशा रहते ही हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो है बढ़ावा देता है लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स का, नेचुरल कैपिटल को, जो हमारी वन संपदा है, जो हमारी नेचुरल कैपिटल है, उसको वो करता है, बायोडाइवर्सिटी में इम्बैलेंस लाता है या बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप मैनेज करें फॉरेस्ट फायर्स को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है,
अलग अलग टाइम पे आग लगती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह आग लगती है। तो उसके लिए क्या है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाएं, आप एक डाटा कलेक्ट करें, आप देखिए कि कहाँ किस समय आग लग रही है और उसी टाइप से अपनी जो प्लानिंग है पहले से बना सकते हैं। अब आपको पता है कि अभी बारिश चल रही है, बारिश के बाद अभी कुछ टाइम के बाद अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन आने शुरू हो जाएंगे, तो हमने क्या कर रखा है कि रोबस्ट मैकेनिज्म बना लिया। ऐसे ही हमें फॉरेस्ट फायर्स के प्रति भी रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना है। ऐसे ही हमारे पास एक फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है ना, ये 2017 में लॉन्च की गई थी एंड इट इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू असिस्ट द स्टेट इन डीलिंग विद द फॉरेस्ट फायर्स, है ना। बट ये FFPM के साथ क्या दिक्कत है कि देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ डेडिकेटेड फंडिंग है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्या के रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया। तो आपको यार काम करवाना है तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, डेडिकेटेड फंडिंग है उसमें आप प्रोवाइड करें। देन ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रैक्टिस लाइक बर्निंग ऑफ लीव्स फॉर महुआ कलेक्शन, झूम कल्टीवेशन, तो इसको जो है लोगों को अवेयर करें आप, लोगों को इनसे दूर ले जाएं, लोगों को समझाएं कि यार देखो इसका जो आपको आपको तो फ़ायदा है लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, लार्जर टाइम के लिए या लार्जर सिनेरियो में आप देखेंगे तो इसमें बहुत नुकसान है आपको भी और हमको भी और एज अ ह्यूमंस को सबको, ठीक है। देन इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट फायर कंट्रोल सच एज ट्रैकिंग बिहेवियर ऑफ फायर, है ना। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जिस साइड हवा बहती है उस साइड आग लगे, आग बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि हवा इधर चल रही है या इस अक्टूबर के महीने में एक्स जगह पे हवा इस साइड से चलती है तो आपको पता है कि आग भी इधर ही फैलेगी, तो आप इधर बाउंड्री बनाएं, इधर से आप बुझाना चालू करें, ठीक है। तो ये आपको सबको डाटा के बाद जब आप स्टडी करेंगे, आपके पास एक रोबस्ट इतनी मोटी बुकलेट होगी डाटा की, तब आप ये कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए कलेक्शन कोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट बनाएं जो कोऑर्डिनेट करें हर चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को सैटेलाइट से भी आप यूज़ करें, ग्राउंड बेस्ड रियलिटी को भी आप, जो हमने फ्लड में किया था या ड्रॉट में किया था, ग्राउंड बेस्ड जो डाटा है स्पेस से आप डाटा लें, उसको कलेक्ट करें, उसको मिलाएं और तब एक होलिस्टिक अप्रोच बनाएं फॉरेस्ट फायर से डील करने के लिए। इनफैक्ट UNCCD यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो WMO के साथ और FAO के साथ एक टूल बॉक्स बनाया, ड्रॉट टूल बॉक्स। अब ये स्पेसिफिकली है तो ड्रॉट के लिए, उसमें वो क्या करते हैं कि मॉनिटरिंग करते हैं, अर्ली मॉर्निंग करते हैं ड्रॉट को लेके, फॉरकास्टिंग करते हैं कि यहाँ ड्रॉट होने वाला। बट ये जो है फॉरेस्ट फायर के लिए भी एसेंशियल है क्योंकि इंडिया का जो कमिटमेंट है SDG नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना है कि जो नेचुरल वेल्थ है उसको हम प्रिजर्व करना है। तो इंडिया को जो है ये ड्रॉट टूल बॉक्स जो है इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब हम आपको बम्पी बकेट दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग। देखो क्या होता है, बम्बी बकेट एक ऐसी बकेट सी होती है, ठीक है, उसके नीचे वेट लगा होता है, जब हेलीकॉप्टर जाता है नीचे तो वो नीचे जाता है, वो पानी इसमें भर जाता है और फिर उसको ऊपर खींचते हैं और ऐसे रिलीज़ कर देते हैं लीवर से ऊपर से, और पानी ऐसे आग बुझाई जाती है, तो इसको बम्बी बकेट बोलते हैं, बम्बी बकेट, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे, है ना, तो आपको बम्बी बकेट यूज़ करनी पड़ेगी कई बार, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर को आप ऐसे भी बुझा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू AlphaS Academy ऑन YouTube और आपको ये पूरे के पूरे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो हमारी साइट पर मिल जाएंगे जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। टिल देन आई विश यू अ वेरी गुड डे, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।